प्रजातंत्र में जितने लीडर्स आए हमने पहले उनको इज्जत से देखा और फिर हमने उनको दास की नजर से देखा। कोई भी नेता आम आदमी का नेता नहीं रहा। खास शर्म मुझे इस बात से है कि अभी तक मुझे ऐसा कोई विकल्प नहीं मिला कि मैं अपना वोट डाल सकूं। रोज बरोज आप देखते हैं साल दर साल इतने सालों से चीजें और खराब होती चली जा रही हैं और एक किस्म का डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के बीच में। उसके शुरू में कुछ साल तो मामला बहुत आग था, बहुत जोश थी, बहुत रोष था, बहुत बढ़िया लीडर्स थे, उन्होंने देश को एक बहुत अच्छा फाउंडेशन दिया। लेकिन उसके बाद सडनली ये सब मामला धीरे 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 इरोड होता गया। As a human being, as people, why aren't we standing up for what we believe in? There are very few people and politicians तो है ही नहीं जो conviction के साथ लड़ रहे हैं। उनकी conviction एक ही है कि कितना बना सकते हैं, हम कैसे फायदे में रह सकते हैं। हमारे एरिया का जो इस वक्त MLA है वो कांग्रेसी है और वो गुंडा है। हमारे पास sufficient laws है to deal with everyday corruption, लेकिन implement नहीं होता। आज तक मुझे नहीं पता चला कि लोग suspend हो जाते हैं लेकिन पैसा रिकवर नहीं होता। करप्शन इतना बढ़ चुका है इस देश में कि उसको जब तक नहीं हटाया जाएगा हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती हैं। हमारे में अगर कोई कमी है तो वो पॉलिटिकल विल की है। इट्स अ ब्लडी केओटिक नेशन। अभी आज तुरंत काम शुरू करना है, अभी शुरू करना है काम। इज़ अ न्यू एज मसीहा। हिंदुस्तान के पिछले 50 साल में जितने मूवमेंट हुए उनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। आपको एक और ग्रास रूट रेवोल्यूशन चलानी है जो किसी भी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से हटके है। आई वॉन्ट माई कंट्री टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स विच आई हैव टू डू अपार्ट फ्रॉम लिविंग माई लाइफ। आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई गली, टू माई मोहल्ला, टू माई कूचा, एंड इफ ऑल ऑफ अस आर डूइंग दैट देन आई डोंट नीड टू से इट, वी विल हैव अ मच बेटर कंट्री। People need to wake up because the political parties aren't doing anything. I was so angry. बहुत ही कम वक्त में इतना बड़ा विकल्प बन के सामने आना। आप मेरे लिए वो पार्टी है जिसके लिए मैं जब कॉलेज में थी ना तब वेट करती थी इस पार्टी के लिए कि ये जो कि सच में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। मैं भी स्टूडेंट यूनियन में थी, मैंने भी एक धरना वरने वगैरह किए हैं और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं किसी और की ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ और मैं गुहार लगा रही हूँ और वो अपना AC में मुझे इग्नोर कर रहा है। अरविंद के जो भी एक्शन है उनसे यही प्रूव होता है कि वो अपना फायदा नहीं देखते हैं। ही लुक्स एट द कंट्री, ही लुक्स एट द जनरल द वेलबींग ऑफ द पीपल। उनका फर्स्ट थॉट है नेशन। इसकी स्पेशलिटी जो है वो खास लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये हम आम लोगों को ही समझ में आएगी। मुझे आप में बहुत उम्मीद दिखाई देती है, वेरी पॉजिटिव। आई फील दैट Arvind Kejriwal is here to pull you out of that gutter and get your respect, your self-respect and your pride back as a nation. I think that is what Kejriwal is capable of doing and that is why he is here and I think he will do it. वहाँ हमारी पार्टी जो है उसने अपना नाम ही रखा है आप, जो आम आदमी को इज्जत दे रही है, आप कह रही है। मुझे एक तो ये अपने जैसे लगते हैं। मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे साथ के लोग हैं। और ना अमूमन ये होता है कि फलां के बेटे हैं, फलां 3 पुश्तों से इनके वालिद ने वहाँ पे MP बनकर आए थे, फलां जगह से MLA बनते हैं, इन्होंने एक पूरा 15 साल का कॉरपोरेटर से शुरू करके MP तक पहुँचे। कुछ लोग हैं जो सीधे ऊपर से MP बन के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे, कुछ हैं जो राज्यसभा से आ गए। जो पहली बार ये लगा कि जैसे ये हमारे अपने साथ के लोग हैं जो मुल्क में वाकई 2 बड़ी चीज़ें जिससे हम बहुत परेशान रहते हैं, एक है कम्युनलिज्म और एक है करप्शन, उन 2 के ख़िलाफ़ पहली बार मुझे लगा है कि मेरे जैसे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बार मुझे लगा कि कोई पार्टी ये बोल रही है कि हम आप पे शासन करने नहीं आ रहे,
इतने बड़े बड़े हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, कुछ कंपनीज उसे लूट रही हैं और किसी को उसकी परवाह नहीं है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई जिसने ये पूरी एक मुहिम चलाई अगेंस्ट करप्शन और उसने पूरे देश को ऑलमोस्ट एक साथ जोड़ा। फॉर मी इफ़ आई कैन इलेक्ट आप एंड पुट देम एज माई वॉच डॉग इन द पार्लियामेंट टू क्वेश्चन टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट आई फील आई वुड हैव गिवन माई वोट टू द राइट कैंडिडेट। इसमें मुझे तो वो हर्ड मेंटालिटी जो है अब वो नहीं चलेगी। अब मतलब जो लोग अगर साक्षात्कार हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हें सोच समझ के वोट देना चाहिए। कोई वोट ज़ाया नहीं होता है, ये हमारा हक है और हमें इसे समझदारी से, दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए, दिल से नहीं। आम आदमी को जितना अच्छा शैलेंद्र ने डिस्क्राइब किया मुझे नहीं लगता किसी और ने कहा। वो कहते हैं, होंगे राजे राजकुमार, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। आम आदमी की ललकार अब सत्य की हो जयकार, अब सत्य की हो जयकार, ये है आम आदमी की ललकार। जय जयकार, जय जयकार होगी सत्य की जय जयकार, जय जयकार होगी सत्य की जय जयकार। मैं हूं परमीत सेठी और मैं आपके साथ इस बार झाड़ू पे मोर लगा के देखी। नमस्ते, मैं हूं तेजस्विनी कोल्हापुरे और मैं हूं आपके साथ। मैं मोना अंबिगांवकर हूं और मैं आपके साथ हूं। मैं लिलीपुट आपके साथ। नमस्ते, मैं हर्ष शाह, मेरा समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है। नमस्कार, मैं अर्चना पूरन सिंह हूँ। मैं हूँ राज सुच्ची, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं अपना वोट आपको दे रहा हूँ। मैं सलीम आरिफ। मैं लुबना सलीम, इस बार अपना वोट वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं हूँ विजय आचार्य। मैं हूँ श्रुति सेठ। और मैं हूँ दानिश असलम। और हम हैं आपके साथ। इट्स टाइम टू क्लीन अप द कंट्री।